नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन और तुर्की के सारे पर नाच रहे पाकिस्तान का आंगन टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा भी ऐसा हुआ कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब को ही तशरीफ दिखा दी है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों में साथ नहीं देने से कुंठामय पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस्लामिक सहयोग संगठन को धमकाना शुरू कर दिया है। केवल इतना ही नहीं, कुरैशी ने भारत का साथ देने के लिए सऊदी अरब को बड़ी धमकी दे डाली। कुरैशी ने कहा है कि ओआईसी कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने में हिलावाली बंद करे और पिछले साल इमरान से किए गए अपने वायदों को पूरा करे। दरअसल इस बार ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने मदरसा मुल्क को ही चूना लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क गया है। पिछले साल मलेशिया के कुआलालंपुर में मातिर मोहम्मद ने ओआईसी से इतर इस्लामिक देशों के एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भी अपना समर्थन दिया था। इमरान खान को भी कुआलालंपुर में भाग लेना था, लेकिन सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं हो सका। इसकी एवज में पाकिस्तान ने सऊदी के सामने ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक पाकिस्तान में करने और उसमें कश्मीर मुद्दा शामिल करने की शर्त रखी थी, पर अब सऊदी अरब ने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने से इनकार कर दिया है। 57 सदस्यों वाले ओआईसी द्वारा पाकिस्तान को ठेंगा दिखाने और कश्मीर मुद्दे पर उसका साथ नहीं देने से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान ने सीधे सीधे सऊदी अरब को धमकी दे दी है। उसने कहा है कि अगर सऊदी विदेश मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाना चाहता है तो पाकिस्तान इस बैठक का आयोजन करेगा। जो मुस्लिम देश कश्मीर पर उसके साथ खड़े हैं, वे इस मीटिंग में अवश्य हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की यह एकड़ी सऊदी को नागवार गुजर गई है। उसकी भीख से पेट भरने वाले पाकिस्तान द्वारा धमकी देने से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पारा गर्म हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज भिजवा दिया है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है, इसे ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान इसे सीधे सीधे भारत सऊदी के दोस्ताना रिश्ते के तौर पर देख रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए पाकिस्तान लगातार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा है। हालांकि सऊदी भारत के रिश्तों की प्रगाढ़ता की वजह से उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र के बाद ओआईसी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से उलझ गया है। ओआईसी की बैठक नहीं होने देने के पीछे एक बड़ी वजह सऊदी अरब है। वह ओआईसी के जरिए भारत को कश्मीर पर चित करने की पाकिस्तान की चाल में साथ नहीं दे रहा है, जबकि ओआईसी के किसी भी कदम के लिए सऊदी अरब का साथ जरूरी होता है। ओआईसी पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है, मगर मोदी ने बड़ा दांव चलकर सऊदी अरब को भारत के बेहद नजदीक ला दिया है। पाकिस्तान की कुंठा की बड़ी वजह यही है कि पिछले साल ओआईसी की बैठक के किए वादे से सऊदी अरब मुकर गया है। पाकिस्तान इसे अपने साथ किया गया बड़ा विश्वासघात मान रहा है, पर हकीकत यही है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान पर भरोसा कम हो चुका है। पाकिस्तान एक प्रकार से सऊदी की पीठ में भी छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है। उसने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी के खिलाफ नेक्सस बनाने की चाल चली थी। केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने सऊदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तुर्की द्वारा कुर्दिशों पर किए गए हवाई हमले का समर्थन करके सऊदी से दगाबाजी के संकेत दे दिए थे। प्रिंस सलमान का गुस्सा पाकिस्तान पर उस वक्त भी देखने को मिला था, जब पिछले साल सितंबर में इमरान ने एर्दोगन और मातिर मोहम्मद के साथ न्यूयॉर्क में पींगे बढ़ाई थी, जिसके बाद सलमान ने आग बबूला होकर इमरान को उपलब्ध कराया गया निजी विमान भी वापस बुला लिया था। पाकिस्तान के फ्राइडे टाइम्स ने इस पूरे प्रकरण को विस्तार से छापा था, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई थी। पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि सऊदी भारत के रिश्ते अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिनमें पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं रही है। पूरी दुनिया में ओआईसी एक ऐसा मंच है जहां से कश्मीर मुद्दा उठाकर पाकिस्तान बड़ी आसानी से भारत को विचलित कर सकता था, मगर खाड़ी देशों में अपने प्रभाव के चलते सऊदी अरब पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं होने दे रहा है। प्रिंस सलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती का फर्ज हर कसौटी पर निभा रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के प्रति अपने पिछले दृष्टिकोण को बदलकर इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा करार दे दिया है। बात यह भी है कि सऊदी अरब ने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी की है, जबकि पाकिस्तान में पिछले साल 22 अरब डॉलर का निवेश का प्रिंस सलमान ने जो वादा किया था, वह मामला भी अब दोनों देशों के सिर फुटबॉल की भेंट चढ़ चुका है। केवल इतना ही नहीं, सऊदी अरब द्वारा इमरान को 2 अरब डॉलर की मदद का आश्वासन भी पिछले साल दिया गया था,
मगर पाकिस्तान की चालबाजी से भड़के प्रिंस सलमान ने इस मदद के नाम पर पाकिस्तान पर इतनी शर्तें थोप दी है कि पाकिस्तान को यह मदद नसीब ही नहीं हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जब पाकिस्तान तयबंद फाड़ रहा था और टोपियों को तीली दिखा रहा था, सऊदी और यूए के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरे से पहले पाकिस्तान ने भारत को चिढ़ाने की भरपूर कोशिशें की थी, लेकिन दौरे के दौरान प्रभावशाली मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर चैन से बैठने की सलाह दी। इसके बदले में उन्होंने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का सुझाव भी दिया था, जिसके बाद पहले से ही बिलबिलाया पाकिस्तान और अधिक भड़क गया। इस दौरे पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान ने यही कहा था कि लंबे लंबे लपादे वाले विदेश मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखने आए हैं। इससे पता चलता है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने से पहले मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए कितनी बड़ी रणनीति तैयार की होगी। यानी कश्मीर का बदलाव भारत के इतिहास की एक असाधारण घटना है। यही वजह है कि पाकिस्तान को आज भी यकीन नहीं होता है कि मोदी कश्मीर का नक्शा और स्वरूप बदल चुके हैं। पाकिस्तान इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है कि अब कश्मीर उसके ख्वाब से निकल चुका है। उसका पाकिस्तान में विलय केवल मुल्ला की उस जालीदार टोपी की तरह है जिसमें अनगिनत छेद ही छेद हैं। उन्हें बंद करने की कवायद में दुगुना कपड़ा चढ़ाना पड़ेगा। यही दुगुना उसकी घबराहट का कारण बनने लगा है, क्योंकि कश्मीर पकड़ में नहीं है, ऊपर से पीओके भी कश्मीर का हिस्सा होने जा रहा है। उसकी फिकर आकाश बेल की तरह बढ़ने लगी है। पाकिस्तान दुनिया और अपनी टोपी छाप जनता के सामने यही प्रदर्शित कर रहा है कि वह कश्मीर को लेकर चिंतित है, मगर वास्तविकता अपने हिस्से के गुलाम कश्मीर को बचाने की है। पाकिस्तान भीतर खाने कश्मीर को भारत का राज्य स्वीकार कर चुका है। धारा 370 हटने के ठीक एक महीने बाद ही पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में कश्मीर को भारत का राज्य कहना भी शुरू कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान किसी तरह पीओके पर अपना दावा मजबूत करके बाकी हमारा का दांव चल रहा है। वह चाहता है कि ओआईसी इसके लिए कोई ना कोई पहल करते ताकि पीओके को भारत के पास जाने से बचाया जा सके। पर पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि ओआईसी पाकिस्तान को अहमियत देने की बजाय अब भारत को प्रमुखता देने में लगी है। इसकी वजह भी पूरी तरह साफ है। दरअसल ओआईसी में सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देश मांग कर रहे हैं कि दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी के चलते भारत को ओआईसी का सदस्य बनाया जाए। अगर भारत ओआईसी में शामिल होता है तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के जुड़ने से ओआईसी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन जाएगा, जिसका प्रभाव दुनिया के सारे समीकरण बदल सकता है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पांव इसलिए भी कांप रहे हैं, अगर भारत ओआईसी में घुसा तो मोदी यहां भी बड़ी कारस्तानी कर सकते हैं। यानी पाक को भय कि कहीं भारत ओआईसी का सर्वे सर्वाना बन जाए। यानी कर चुकाने में भैंस तो गवाह ही दी, अब मुल्लाओं ने उन तबेलों में भी डेरा डाल दिया है जहां तैमंद और टोपीबाज में मिश्रित खलबली मची है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।